के शर्मा जी, सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पार्टी पर लगे तो आप पर लगे कि चुनाव में विकास से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करती है तो ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा करती है और अपने ऐसे नेताओं को उतारती है चुनावी मैदान में जो एक ऐसा संदेश देते हैं जिससे आपका एक वोट बैंक आपकी तरफ खिसकता है और चुनाव बढ़ जाता है, वोट बिखर जाते हैं। देखिए मासी जी, आरोप लगाना आसान है जब आपके पास सामने वाले जो विपक्षी पार्टी हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। 27 साल से गुजरात की जनता ने उन्हें गुजरात से बाहर कर दिया, 6-6 चुनाव हरवा दिए, हर बार एक फोटो अप कराने के लिए वो खड़े जरूर होते हैं लेकिन जनता उन पर विश्वास नहीं करती, न उनके नेताओं पर विश्वास करती, न नीतियों पर विश्वास करती और उसके कारण ही अपनी विश्वसनीयता खोने के कारण से आज वो केवल गुजरात में नहीं पूरे देश के, यदि मैं परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो वो मात्र 2.5 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। तो जिनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, जिनकी बातों पर विश्वास नहीं है तो वो क्या करें चुनाव में? तो खिसियाहट के ऊपर एक ही बात उनको दिखता है कि हम इसी तरह आरोप लगा दें। हम पर ये आरोप आज से नहीं लग रहे हैं प्राचीन। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब से जनसंघ बना और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से ये पेंट करने की एक कोशिश हुई है वामपंथी और एक कांग्रेसियों के द्वारा कि एक तरह का सांप्रदायिकता का थप्पा ठोक दें। लेकिन आज स्थिति क्या हुई कि उसी उस पर जिस तिलक लगाने पर हमको सांप्रदायिक कहा जाता था, जिस भगवा चादर पर हमें सांप्रदायिक कहा जाता था, राम मंदिर के आंदोलन की हम बात करते थे, राम मंदिर निर्माण की बात करते थे तो हमको सांप्रदायिक करार दिया जाता था और आज वही चुप चुप के जो है मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। के शर्मा जी, वो तो सबके सामने जा रहे हैं, तो इसी पर आपत्ति क्यों है आपको? नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि जनता नहीं मानती ना, क्योंकि आप पाखंड करते हैं ना, आप पाखंड करते हैं क्योंकि आप लोग इसी पर हमको आरोपित करते थे, सांप्रदायिकता की बात करते थे और आज वो विमर्श बदल गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारी विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत हमारे जो पुराने सनातन गौरवमयी संस्कृति के अधीन जो हमारे गौरवमयी संस्थान है उनका पुनर्निर्माण, उनका पुनरुद्धार करना ये हमारा दायित्व है। तो आपका पैरामीटर क्या है? मैं हेमंत जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आप बताइए आपका पैरामीटर क्या है? आप ये कैसे भांप लेते हैं कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, किसकी आस्था सच्ची है और किसकी आस्था नकली है? कौन सा पैरामीटर है आपके पास ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। पैरामीटर तो जनता है, हम नहीं है, पैरामीटर जनता है। जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिमों का है तब जनता समझती है कि आप क्या हैं। जब आपका एक नेता यहाँ कहता है कि यदि हम शासन में आएंगे तो केवल जो है एक इलाके मुस्लिम इलाकों में ही हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो ये इससे समझ में आता है कि आपका क्या है। और दूसरी तरफ आप पाखंड जब करते हैं, अभी तक राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, एफिडेविट जमा करते हैं और फिर अपने आप को शिवभक्त बताते हैं। चलिए तो और अपना गोत्र इसी एक बात क्या समाप्त करता हूँ, यही गुजरात चुनाव था, आपको याद होगा जनेऊधारी एक हिंदू देखा हमने, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जनेऊधारी हिंदू बन के फिर रहते यहाँ पर। तो आपके ये पाखंड, आपके ढोंग ये जनता देखती है और समझती है और अपना निर्णय भी देती है। हिमंत जी, ध्रुवीकरण का आरोप आप लाख लगाते रहिए बीजेपी पर, लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं क्योंकि AIMIM और आम आदमी पार्टी के बाद एंट्री के बाद सबसे ज्यादा अगर वोटों में बिखराव का खतरा है तो आपको अपने वोट बैंक को है और यही वजह है कि ऐसे बयान आए हैं जिससे लग रहा है कि ध्रुवीकरण करने में आप भी पीछे नहीं है। देखिए, कल गुजरात में प्रथम तबक्का का जो फर्स्ट फेज का मतदान है 89 सीटों में हो रहा है, 788 पूरे मिला के सब उम्मीदवार है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मतदान जैसे 2017 में हुआ था तब भाई हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम लोग देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं गुजरात के 10 बड़े धर्मस्थल जिसमें डाकोर आ गया, भगवान श्री कृष्ण की नगरी आ गई, जिसमें अंबाजी आ गया, 10 बड़े जो धर्मस्थल है सोमनाथ महादेव आ गया, 10 धर्मस्थल की 10-10 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। क्यों जीती थी? वहां पे अभी कांग्रेस के MLA है। लास्ट टाइम पे हम यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, धर्म मेरी आस्था का सवाल है। राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी ने
राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया नहीं, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो हमारी सर आंखों पे है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बनाए। उसी राम मंदिर में मेरे जैसे हेमंग रावल जैसे छोटे छोटे लोगों की हमने भी यहाँ पे राम मंदिर में दान दिया हुआ है, हमारी आस्था से दिया हुआ है। दूसरी बात, हमारे घरों में सुबह दिए जलाए जाते हैं, तुलसी के सामने भी हम दिए जलाते हैं, तुलसी माता के सामने मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए हम हमारे धर्म का उपयोग नहीं करते। और हमें किसी भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सनातनी हिंदू होने का सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी ने दिया है हमें। लेकिन हमें जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप आप पर लगता है, इस पर आप क्या कहिएगा? आपके जो कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में, उनको क्या जरूरत है कि आप मजहबी नारे लगवाएं, या फिर आप ये कहने लगे कि इस देश का कोई उद्धार कर सकता है तो एक विशेष वर्ग कर सकता है, और उसका उद्धार कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, ये कहने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं पहले भी बताता हूँ, इन्होंने बहुत बोला कि मंदिर मंदिर हम पहले से जा रहे हैं, अभी से जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी अपने हर चुनाव, अंडरलाइन करके बोलता हूँ, हर चुनाव की शुरुआत है वो अंबाजी मंदिर से दर्शन करके जाती थी। हमने अंबाजी मंदिर में, हमारे बहुत से नेता दर्शन करने के लिए आते थे, हमारे लिए वो आस्था का स्वरूप है। लेकिन हम जो है देश को बचाने के लिए, भारत जोड़ने के लिए, जब राहुल गांधी जी निकले तो गुजरात इलेक्शन की बात करते हैं, ये कभी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेंगे, ये कभी गुजरात की बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, इनको ये सब बातें करके ट्विस्ट करके ले जाना है। तो हेमंत जी, ट्विस्ट कौन कर रहा है? तो सब देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपके बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। आप लाइए ना इनको, विकास पर बात करिए, ज्यादा बेहतर होगा। हमने किया हुआ है प्राची जी, इतना समय देना जितना केके जी को दिया। एक लास्ट बात मुझे बोल देने दीजिए, बाद में केके जी को मैं बीच में नहीं बोलूंगा। गुजरात के अंदर हमने तो बोला हुआ है कि 40 लाख लोग बेरोजगार है, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं। ठीक, लेकिन इन मुद्दों पर बात होती नहीं है हेमंत जी, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूं। जो है, जो बयान आते हैं ना, वो इससे इतर आते हैं। हेमंत जी रुकिए जरा, मुझे छोटा सा रिएक्शन केके शर्मा जी का लेने दीजिए, फिर ऋषभ जी इंतजार करें। मैं इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं रामा साहब को दो तीन चीजें याद दिला, राम मंदिर की बात, यही गुजरात की वो पुण्य भूमि है। गुजरात के भ्रष्टाचार पे बोलिए, गुजरात के पुण्य, प्राची जी ने बताया मुझे, बीच में नहीं बोला। चर्चा आज जिस बात पर बुलाई है हेमंत जी, उसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। बोलिए बोलिए, और बीच में प्लीज मत बोलिएगा, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं भी आंसर दूंगा। चलो, मैं भी ऐसे ही खड़े कर, मैं गुजरात की उसी पुण्य भूमि पर खड़ा हूं प्राची जी, जिस सोमनाथ मंदिर से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहां से वो यात्रा निकली थी, और जिस रात यात्रा को जाकर जो है बिहार में इन्हीं के मित्र लालू प्रसाद यादव के माध्यम से रुकाने की कोशिश हुई। और यही नहीं, हमने तो कार सेवा भी किया, हमने तो आंदोलन भी मंदिर के लिए किया। ठीक, हमने अपने चार चार सरकारें, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इस गुजरात में भाजपा की सरकार थी, एक पत्थर नहीं चला, लेकिन गुजरात में सरकार क्यों गिराएगी भाजपा की? इसीलिए नहीं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इतिहास बताता है कि ये हमेशा से राम मंदिर के केवल विरोधी ही नहीं रहे, हमने वकील लगाए, वहाँ चुनाव लड़ा, वहाँ पर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।